काकोरी कांड के 95वीं वर्षगांठ के अवसर पर कुरुकृपा संस्थान एवं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में जेल के सेंट्रल कक्ष में तैलीय चित्र स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत बिस्मिल के बलिदानी स्थल गोरखपुर मंडली कारागार में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी एवं जेलर प्रेम सागर शुक्ला को संगठन प्रमुख ब्रजेश राम त्रिपाठी एवं अनिरुद्ध पांडे एडवोकेट सहित संस्था के सदस्यों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र भेंट किया। गौरतलब है 95 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 9 अगस्त सन 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह सहित 10 संक्रांतकारियों ने लखनऊ से 14 मील दूर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूटकर अंग्रेज़ों को बड़ा झटका दिया था। देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए वीरों में काकोरी कांड के महानायक बिस्मिल को अंग्रेज़ों ने गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी पर लटकाया था। इस अवसर पर गुरुकृपा संस्थान के संस्थापक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि बहुप्रतीक्षित घड़ी आज पूरी हुई है, जब अगस्त क्रांति के दिन पर बिस्मिल का चित्र उनके बलिदान स्थली गोरखपुर को समर्पित करते हुए स्थापित की गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी ने संस्था के प्रयासों को सराहना करते हुए कहा कि विगत कई वर्षों से लगातार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवनी पर राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम से ओतप्रोत विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए बिस्मिल बलिदानी मेला और गुरुकृपा संस्थान के सदस्य बधाई के पात्र हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के संस्थापक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा, अब आप मारो पकड़िए। ब्रजेश राम त्रिपाठी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव आयोजन समिति। आज 9 अगस्त है और आज का दिन देश की आज़ादी के इतिहास के लिए दो महत्वपूर्ण दिन है। आज 9 अगस्त अगस्त क्रांति दिवस के रूप में हम पूरे देश के लोग मनाते हैं, और दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन है आज ही के दिन काकोरी कांड हमारे देश के क्रांतिकारियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में किया था। चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, इन सारे क्रांतिकारियों ने लखनऊ से जाने वाली ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना को लिया था। अंग्रेज सरकार ने इसको लूट करार देते हुए उनको डकैत माना था, लुटेरा माना था, उन पर अभियोग चलाया, और जिसके तहत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई। हमारा मानना है कि देश हमारा था, धन हमारा था, अंग्रेज इस पर काबिज थे और उन्होंने हमारे धन को लूटा, तो लुटेरे वो हुए, डकैत वो हुए, लेकिन ब्रितानी हुकूमत ने हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमे चलाए और जिसके कारण उनको फांसी दी गई। तो आज काकोरी कांड के 95 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का स्थान है सेंट्रल जेल में, जहाँ पर अपने जेल अधीक्षक बैठते हैं, उनके कक्ष में एक तैलीय चित्र भेंट किया गया है कि वो एक चित्र स्थापित किया जाए, आने वाले दर्शक, आने वाले जो भी जेल के आगंतुक हैं वो उनके चित्र को देखकर उनके व्यक्तित्व कृतित्व को समझें, पढ़ें, जानें और आत्मसात करें। इस दृष्टि से आज 9 अगस्त के दिन जेल पर कार्यक्रम रखा गया था चित्र समर्पण का।